भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के भावी प्रत्याशियों के चयन तथा प्रदेश में राजनीतिक हलचल पर ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत करते हुए हर सवालों का जवाब बेबाकी से दिया। आइए देखते हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन खास पेशकश एक मुलाकात में। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में केएस चौहान, जिला भाजपा उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता और अनेकों कई इनमें इनके पद ऐसे हैं जो कई छिपे हुए हैं जो हम खुद नहीं जानते हैं, वो बताते हैं अपनी जुबानी तब हमको पता चलता है, लेकिन इन दो पदों के लिए मैं उनको तारुफ कराती हूँ आपसे। और आज हमारे स्टूडियो में कुछ राजनीति चर्चा करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया है, तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। सर उधर सर, सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। और अब सवालों के बौछार आप पर मैं करने वाली हूँ, क्योंकि चुनावी समर है, लगभग 2 महीने बचे हैं विधानसभा चुनाव को। ऐसे में हम देखते हैं कि दावेदार बहुत आ जाते हैं सामने में, और क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? देखिए, दावेदारी पेश करना बिल्कुल सभी का हक होता है, हकदार सभी होते हैं, लेकिन मेन है लायकी। जैसे हर मिट्टी को मूर्ति बनने का हक है, लेकिन वो मिट्टी मूर्ति बनने के लायक भी होनी चाहिए, क्या बात? तब जाके हम उस चीज़ में मूर्ति बन सकती है और वो फिर दूसरों के काम आ सकती है और लुभा सकती है। बीच में एक लाइन बोलना चाहूँगी, क्या इन्हें दावेदारी नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि दावेदारी नहीं करनी चाहिए। जो जो मैंने आपको बोला ना कि वो हक है हमारा, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुद किस चीज़ के लायक हैं और वो चीज़ सूट करती है कि नहीं करती है। एक बंदर की कहानी आपने सुनी होगी शायद, कि बंदरों को आम के पेड़ में चढ़ जाते हैं और बंदरों को लाठी मार मार के भगाया जाता है, तो बंदरों को बहुत गुस्सा आता है और वो मीटिंग कर बैठते हैं कि बहुत हो गया, हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है, अब हम खुद के आम प्रोड्यूस करेंगे और खुद के आम खाएंगे करके। तो उसमें से एक बंदर बोलता है कि मैंने सुना है कि गुठली में से आम निकलता है। तो बोले ठीक है, गुठली लाइए। सब लोग घेरा मार के बैठ जाते हैं और बीच में गुठली रख देते हैं और सब लोग देखने लग जाते हैं कि आम आएगा। तो उसमें से एक बंदर बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना आम आता है, उसको खड्डा मार के अंदर अंदर डालना पड़ता है, गड़ाना पड़ता है। तो खड्डा मारते हैं जल्दी जल्दी और अंदर गड़ा देते हैं और ऊपर से मिट्टी लीप के और उसके बाद फिर देखने लग जाते हैं। तो उसमें से फिर एक बंदर बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसमें खाद और पानी और डालना पड़ता है। तो खाद और पानी और डाल दिया जाता है और फिर देखने लग जाते हैं कि अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे एक दिन में सभी चीज़ें नहीं होती हैं। जिसको जितना समय चाहिए, जिसको जितना कर्म चाहिए, जिसको जितनी तपन चाहिए, तब ही जाके वो तपन के बाद वो लोहा मोल्ड होगा, वो सोना मोल्ड होगा, वो गलेगा, उसके बाद वो शेप लेगा। तो उतनी तपन तो चाहिए ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा बहुत तपाया जाता है और उसके बाद आप मूर्त रूप में आते, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको उतनी तपन चाहिए, उतने संसाधन चाहिए। उतना संसाधन का समय सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, समय भी होता है, नॉलेज भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें भी चाहिए। हकदार सभी हैं, सभी को हक है कि वो प्रधानमंत्री, सीएम, जनप्रतिनिधि, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, लेकिन वो उस पहले उसके लायक बने। चुनावी भाषा में अगर कहें, हेलीकॉप्टर एंट्री देखी जाती है, उसे क्या समझते हैं आप और कितनी सही मानी जाती है? देखिए, हेलीकॉप्टर एंट्री जो है वो, जिसको हम एक्चुअल में हेलीकॉप्टर बोलते हैं वो तथाकथित बोलते हैं, लेकिन वो एक पार्टी का निर्णय रहता है। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी एक पार्टी की, लेकिन वो पार्टी का निर्णय रहता है। अगर वो पार्टी करीबियों को ज़्यादा तवज्जो देती है, काबिलों को तवज्जो नहीं देती है, तो भले वो करीब, मतलब वो उस क्षेत्र में रहता हो या बाहर क्षेत्र में रहता हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन लेना देना जिस चीज रहता है वो करीबी और काबिल। हमेशा हमें काबिलों को अवसर देना चाहिए, करीबियों को नहीं। भले वो उस क्षेत्र में रहते हैं ना रहते हों, या कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हों
कि मतलब बाहर से विनिबिलिटी कैंडिडेट उतारना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी यही देखती है कि हम विन करें, कैसे भी करके विन करें। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारे को करीबियों को ही देना चाहिए था, अवसर देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बाहर से भी प्रत्याशी लाए जाते हैं जो हमारे को हेलीकॉप्टर लगते हैं, तथाकथित हेलीकॉप्टर लगते हैं, लेकिन वो समाज के लिए और पार्टी के लिए भी सही रहते हैं, लेकिन मेन शर्त ये है कि वो काबिल होना चाहिए, करीबी नहीं। और ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो अप्रत्याशित चेहरे होते हैं, कई लोग कयास लगा के रखे होते हैं, कैलकुलेशन लगा के होते हैं, जैसे सभी के मन में चुनावी, आप समझ रहे, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, और अप्रत्याशित चेहरा अचानक से सामने आ जाता है। अप्रत्याशित किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए? एक्चुअली हम लोग, मानव फितरत ये है कि हम अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं, हम अपनों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, कि ये जो हमारे आजू बाजू जो दिख रहे हैं उन्हीं लोगों के बीच में ही हमारा कोई चेहरा आएगा या हमको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अप्रत्याशित क्या होता है? अप्रत्याशित जिसको आपके जहन में नहीं था। अप्रत्याशित चेहरा वो आपके लिए हो सकता है, पार्टी वो पार्टी के लिए नहीं। पार्टी के लिए वो चेहरा आएगा जो विन दिलवाएगा, जो जो सही में काबिल है, जो जो चुनाव जीत के दिखाएगा। अब ये हो सकता है, और हम लोग सबसे ज़्यादा अपने आप पे ही मतलब बिलीव करते हैं। हम अपने आप का कंपैरिजन दूसरे से अगर करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने अपना कंपैरिजन इससे कर लिया, ऐश्वर्या राय से कर लिया, कि ऐश्वर्या राय तो घमंडी है लेकिन मैं घमंडी नहीं हूँ, तो क्या इसी क्राइटेरिया में आपको एक्ट्रेस बना दिया जाएगा, हीरोइन बना दिया जाएगा? हम जिस चीज में काबिल होते हैं, हम जिस चीज में माहिर होते हैं, हम कंपैरिजन वैसे ही करते हैं कि अब हमारे जैसा तो बोलने वाला कोई नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो मतलब इतना पढ़ा लिखा हूँ, तो दूसरे कम पढ़े लिखे हैं। तो वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ वो भी क्राइटेरिया है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई क्राइटेरिया, मैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी भी चीज, जैसे मान लीजिए कोई सुंदर ही है, अब बाकी लोग तो सुंदर नहीं है, तो नेता बनने के लिए क्या सिर्फ यही क्राइटेरिया है क्या कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर होंगे तब आपको टिकट दी जाएगी? ऐसा नहीं है। हम लोग अपने अपने जो गुण रहते हैं उससे कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये तो अप्रत्याशित लोगों को दे दिए। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि अप्रत्याशित चेहरा जो अचानक सामने आया वो बड़े किसी रसूखदार को, दावेदार को हरा देता है, मात भी दे देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, और वो एक्चुअली चुनाव जो है वो किसी भी एक फैक्टर से नहीं जीता जाता शाहिन जी, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं उसमें, मतलब पहले की एंटी इनकम्पेंसी भी रहती है, और वो माहौल ऐसा बन जाता है कि मान लीजिए कि 25-30 साल से कोई रसूखदार या कोई पहले से जनप्रतिनिधि है और उसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अब वो जनता उस चीज़ को मिस कर रही है कि हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए या विधायक होना चाहिए, महापौर होना चाहिए या सांसद होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा हमारे को चाहिए। तो अगर उस टाइप का कोई प्रत्याशी आ जाता है, तो मान लीजिए कि हमारे को केले खाने की हमारे को चाहत है, लेकिन कई सालों से बाजार में एप्पल ही आए हैं, मैं मानता हूँ कि एप्पल उससे केले से ज़्यादा श्रेष्ठ है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम केला जाके चुन लेंगे, हम केला खा लेंगे। तो ऐसे वहाँ की रिक्वायरमेंट भी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, किसी भी एक फैक्टर से चुनाव नहीं जीता जा सकता, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके चुनाव जीतते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कुछ फैक्टर्स ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ फैक्टर्स कम हो सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए फैक्टर्स की बात आपने कही, किसी भी एंगल से पार्टी को जीत दिलाने वाला प्रत्याशी जो है वो ही बेटर या बेस्ट हो, क्योंकि लड़ता इंसान सिर्फ जीतने के लिए है। जी, आपने विन कैंडिडेट प्रत्याशी की बात अभी कही, तो मैं चुनाव में क्या पैसों की अहमियत कितनी है, क्या बहुत पैसा वाला अगर है तो क्या चुनाव जीत जाएगा, ऐसा है?
कितना जोड़ कर देख सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, पैसा क्या मायने रखता है? वैसे तो फिर अगर सिर्फ पैसा बोला जाए तो मुकेश अंबानी यहाँ का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। टाटा बिरला कब से प्रधानमंत्री होने चाहिए थे? नहीं, सिर्फ जो पैसा रहता है वो जो मैंने बोला ना कि विनिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत होती है। मैं मानता हूँ कि पैसा आपको बहुत सारी सुविधाएं, संसाधन जो है वो भी एक संसाधन है, पैसा भी एक संसाधन है, समय भी एक संसाधन है, लेकिन उस समय क्या मतलब पैसे की कितनी ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत है, कितनी से ज़्यादा कहाँ ज़रूरत होती है। तो पैसा स्पीड ला सकता है आपकी, आपके आपके गति ला सकता है, लेकिन पहुंचा नहीं सकता, पहुंचना आपको खुद ही पड़ेगा। पैसा भी मायने रखता है लेकिन पैसा ही मायने नहीं रखता। सिर्फ पैसे के दम पे आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमने कई चुनाव ऐसे देखे हैं जो बिना, जो सामने वाला बहुत पैसा लगाता है लेकिन सामने वाला नहीं लगाता, तो उस समय की वो रिक्वायरमेंट होती है। तो पैसा भी मायने रखता है, पैसा ही मायने नहीं रखता, बहुत सारे उदाहरण है उसके। जीतने के लिए भाजपा किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक ही रणनीति रहती है, वो नाम पे नहीं काम पे विश्वास रखती है, विकास पे विश्वास रखती है। काम जो भारतीय जनता पार्टी ने की है और जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और उस विचारधारा को वो शीर्ष नेतृत्व जो हमारा है वो ठीक से चला रहा है कि नहीं चला रहा है, उसके हिसाब से ही जनता उन्हें वोट देती है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं, 18 करोड़ लगभग उसके जो अन्य अपना कार्यकर्ता हैं, तो और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो ऐसे ही नहीं बन गई, वो दो सीटों से 302 सीटों में ऐसे ही नहीं आ गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारे चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ऊपर लाती हैं। और जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि करीबियों को नहीं काबिलों को अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो अपने मिशन के लिए सत्ता पे आना चाहती है, जबकि कांग्रेस जो है वो उसका मिशन ही सत्ता पे आना है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। आपने बोला करीबी को नहीं काबिलियत को पार्टी जो है वो समझती है। ध्रुव भिलाई के लिए आप क्या समझते हैं? कोई नया चेहरा तो नजर आता नहीं है, फसला सा सवाल है, क्योंकि 2 महीना बचा है अभी लगभग। पहले से ही प्रत्याशी दिलो दिमाग में सक्रिय रहते हैं सबके, लेकिन हमारी नजर में और ऐसा सुखबुकाहट रहती है, चर्चाओं का दौर रहता है, कोई नया चेहरा सामने नहीं है, जबकि देखा जाए तो भूपेश सरकार ने युवाओं पर काफी अच्छी छाप छोड़ी है। ध्रुव भिलाई के लिए कैसा बदलाव देखते हैं इसमें, क्योंकि नया चेहरा भी सामने है ही नहीं? देखिए, युवा की आप परिभाषा क्या समझते हैं? सबसे पहली बात तो ये समझना पड़ेगा, युवा मतलब एनर्जी। अगर कोई एनर्जेटिक है, कोई काम कर सकता है और कोई किसी को काम करने के लिए उतारू है, नए नए टेक्निक्स ला सकता है, नई नई चीज़ें एडॉप्ट कर सकता है, नए नए आइडियाज़ ला सकता है अपने क्षेत्र के लिए, तो वो युवा है। और अगर वो मान लीजिए वो 60 साल का इंसान भी अगर करता है, तो क्या आप इसलिए वोट उसको नहीं देंगे या मतलब इसलिए नेगलेक्ट कर देंगे कि वो मतलब 60 साल का है? या मतलब और जो समाज होता है या परिवार होता है या कोई भी होता है, तो दो चीज़ों से चलता है साईं जी, दो ई से, एनर्जी और एक्सपीरियंस। और दो ई से दो पी निकलती है, एनर्जी से निकलती है, एनर्जी से निकलता है पैशन, और एक्सपीरियंस से निकलता है पेशेंस। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, पैशन भी जरूरी है, पेशेंस भी जरूरी है, एनर्जी भी जरूरी है और एक्सपीरियंस भी जरूरी है। तो ऐसा कोई जनप्रतिनिधि जब आता है तब वो अपने समाज के लिए कारगर साबित होता है और वो अपने काम को बहुत ही अच्छे बखूबी अंजाम दे सकता है। तो हम युवा सिर्फ एक एक उम्र का नहीं, एक सोच का नाम है। अगर वो सोच आपके अंदर है तो आप युवा हैं,
और वो सोच आपके अंदर नहीं है, अगर आप 25 साल के भी हैं तो आप युवा नहीं हैं। इस हमारी चुनावी चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप हर वक्त हर बात बड़ी बेबाकी से हम सबको बताते हैं, खासकर राजनीति को लेते हुए। हम आगे भी ऐसी लगातार आपसे बने रहेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने हैं और इन 2 महीनों में हम आपसे पूरी जानकारी पूरे फीडबैक लेते रहेंगे। लेकिन जी, सवाल वहीं का वहीं रह गया कि ध्रुव भिलाई के लिए कौन सा चर्चित चेहरा हो सकता है। अभी तक आपने जवाब दिया नहीं जी। ध्रुव भिलाई के लिए जो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ जी, मैं उसी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पहले भी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो होता है और वो प्रोसीजर कई मतलब चीज़ों से होके गुजरता है और तब जाके अनुभवी और जो लोग हैं वो उसको सिलेक्ट करते हैं। और जब वो मिट्टी मूर्ति बन जाती है, हम मिट्टी जब होती है तब हम हो सकता है कि उसको पैर से रौंद रहे हैं या मतलब हथौड़े से मार रहे हैं, लेकिन जब वो मूर्ति बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी उसके सामने नतमस्तक होता है और उसको पूरी पूरी अपनी निष्ठा से अपने उसकी पूजा करता है। मिट्टी और मूर्ति को लेकर चर्चा चल रही थी, हर मिट्टी जो है मूर्ति बनने का दावा कर सकती है, हम अपने शब्दों में कहें क्या वो मूर्ति आप हो सकते हैं ध्रुव भिलाई के लिए? देखिए शाहिन जी, मेरा ये मानना है कि हम किसी भी चीज को पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, किसी भी चीज को पाने में लगे रहते हैं, लेकिन हमें किसी चीज के लायक बनने के ऊपर जद्दोजहद करनी चाहिए, किसी चीज के लायक बनने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, फिर आप उस चीज वो चीज आपको मिले या ना मिले, एक्चुअली मेन सेटिस्फेक्शन जो होता है वो अपनी औकात बढ़ाना होता है, हैसियत पाना नहीं। हैसियत आपकी आपको वो प्राप्त हो या ना हो, वो पोजीशन प्राप्त हो या ना हो, लेकिन आपकी खुद की पर्सनल पावर जो है वो बढ़ जानी चाहिए। तो अगर आपकी पर्सनल पावर बढ़ती है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको वो पोजीशन मिली है या नहीं मिली है। और जब आपकी पर्सनल पावर बढ़ जाती है तो जो आप काम करना चाहते हो समाज के लिए, तो आप बिना हैसियत के भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर हैसियत अगर मिल जाती है तो वो बात अलग हो जाती है, लेकिन बिना हैसियत के भी आप काम कर सकते हो। जैसे हमारे गांधी जी ने आज तक कोई भी सत्ता का पद नहीं लिया, लेकिन वो जो चाहते थे वो करके दिखाया उन्होंने। तो उनकी पर्सनल पावर जो थी वो ज़्यादा थी। और किसी चीज़ के बनने के लायक अपन बन जाए, भले मतलब वो चीज़ मिले ना मिले, लेकिन हम उस चीज़ को पाने के लिए हम लोग जद्दोजहद करते हैं, हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम मर्सिडीज़ पाने के लिए को मतलब की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम उस चीज़ के मर्सिडीज़ के लायक बन जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता जीवन में। तो किसी चीज़ के लायक बनना ज़रूरी है बजाय उस चीज़ के पाना। बहुत अच्छा और साफ गोई साहब ने मेरी बात का जवाब दिया, मुझे ठीक है चलेगा। आप मैंने एक बार आपका फिर स्वागत, और इन्हें जाते जाते दर्शकों के लिए कुछ 2 शब्द बोल दें। देखिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि हम चुनाव और राजनीति बोलते हैं कि ये नेताओं के हाथ में रहती है और दल के हाथ में रहती है, तो ये नहीं, जनता जनार्दन ही मेन है और सभी चीज़ें जनता के इर्द गिर्द घूमते रहती हैं। जैसे हम किसी प्रोग्राम में जाएं और भले ही जितना मर्जी अच्छा गायक हो, लेकिन अगर ऑडियंस नहीं है तो वो प्रोग्राम फेल होता है। तो वैसे ही जनता जो है वो जनार्दन है, और इस राजनीति में इस सभी जो पॉलिटिक्स है और ये चुनाव है तो उसमें अपना मत जरूर दें और अपनी राय जरूर रखें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
हमारा हक भी है और ये हमारी जवाबदारी भी है। तो ये जनता वोट देनी जरूर चाहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का, हमारे सवालों के जवाब विभागीय से देने का। तो दर्शकों ये थे केएस चौहान सर। जी हाँ, जिला भाजपा उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता, इन्होंने राजनीति को लेकर हमसे काफ़ी चर्चा की और सभी सवालों के जवाब बहुत ही बेबाकी से दिए। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा वो चेहरा वो होंगे क्या, बहुत गोलमोल जवाब देके उन्होंने मुझे भी कन्फ्यूजन में डाल दिया है। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए चुनावी चर्चा एक मुलाकात में। नमस्कार।